लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना को रोकने मुंबई में रहवासी सोसाइटियों में वैक्सीनेशन तेज हो गया है। आज बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत की पहल पर सानपाड़ा की मोरा सोसाइटी में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। यह टीकाकरण महानगर पालिका की परमिशन पर फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा प्रारंभ किया गया है ताकि सभी नागरिकों का जल्द टीकाकरण हो सके। स्थानीय नागरिकों ने पेड वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कराने पर बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत के प्रति आभार जताया। निशांत भगत ने कहा कि यहाँ पहले दिन युवाओं ने सबसे अधिक टीका लगवाया जबकि सीनियर सिटीजन दूसरे नंबर पर रहे। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही यह सानपाड़ा की मोराज सोसाइटी है जहां आज से निजी तौर पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत की पहल पर नवी मुंबई महानगर पालिका ने इस सोसाइटी में वैक्सीन सेंटर शुरू करने की परमिशन दी। आज यहां फोर्टिस हॉस्पिटल के जरिए पेड कोविड वैक्सीनेशन सेंटर प्रारंभ हुआ है। नागरिकों के लिए यहाँ 850 रुपये में कोविड वैक्सीन लग रही है। इसकी शुरुआत कराते हुए युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि इससे वैक्सीन की किल्लत से परेशान नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने टीकाकरण में युवाओं के ज्यादा सहभागिता पर खुशी जताई। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सानपाड़ा नोड मध्ये आरोग्य केंद्र नसल्यामुळे या ठिकाणी लसीकरण केंद्र चालू होणं गरजेचं होतं आणि त्यासोबतच आमची मोराज म्हणजेच कस्तुरी कॉप हाऊसिंग सोसायटी ही 850 फ्लॅट असलेली मोठी सोसायटी आहे आणि या सोसायटीमध्ये लसीकरण केंद्र चालू व्हावं म्हणून फोर्टिस हॉस्पिटलला सोसायटीच्या माध्यमातून विनंती करण्यात आलेली होती। त्या विनंतीला मान देऊन आज फोर्टिस हॉस्पिटलच्या माध्यमातून या ठिकाणी लसीकरण केंद्र पर प्रत्येकी 850 रुपयाप्रमाणे या ठिकाणी लसीकरण चालू आहे। शासनाने ही पुढाकार घेऊन 18 वरील म्हणजे 18 ते 44 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना किंवा त्या नागरिकांना लसीकरण देणं गरजेचं आहे। त्या सोसायटीने पुढाकार घेतल्यामुळे आज इथल्या अनेक तरुणांना वॅक्सिन देण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे। मी मनापासून आभार व्यक्त करतो कस्तुरी कॉप हाऊसिंग सोसायटीचे की आपण ही संधी मोराज सोसायटीला न देता पूर्ण या सानपाडा नोडमधील सेक्टर 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सर्व नागरिकांना ही सेवा उपलब्ध करून दिली। या ठिकाणी 3 दिवसाचं कॅम्प आहे, 31, 1 आणि 2 या 3 दिवसामध्ये होणार आहे आणि जवळजवळ 1200 डोससाठी या ठिकाणी रिक्वेस्ट केलेली आहे। तर कोणाला लस घ्यायची असेल तर त्यांनी या ठिकाणी चेअरमन सेक्रेटरी किंवा आमच्याशी संपर्क साधला तरी त्यांना आपण या ठिकाणी लस देण्यासाठी आपण प्रयत्न करू। बता दें कि नवी मुंबई मनपा जल्द से जल्द टीकाकरण के प्रयास में जुटी है। मोराज सोसाइटी में सेंटर बनाने की परमिशन इसका सबूत देता है। मोराज सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत के प्रति आभार जताया जिनकी मदद से यहां महानगर पालिका ने परमिशन दी और फोर्टिस हॉस्पिटल के जरिए यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ। पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि इससे नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। या वैक्सीनेशनसाठी आम्ही 15 दिवसापासून प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामध्ये भगत साहेबांचा खूप मदत आहे। भगत साहेबांचे निशांत भगत दशरथ भगत आणि जे मॅडम्स त्यांनी खूप सहकार्य केले आणि इथे जे व्हॉलंटियर आहे ते व्हॉलंटियर लोकंसुद्धा खूप सहकार्य केलेले आहे। त्यामुळे आम्ही सर्वांचा धन्यवाद। वॅक्सिनेशन जवळजवळ आम्ही 800 आता सध्या प्लॅन आहे आमचा, अजून 200 घ्यायला त्यांना रिक्वेस्ट करतो आम्ही फोर्टिसला। ते जर झाला तर जवळजवळ 1000-1200 होईल आमचं, असा आमचा प्लॅन आहे। आणि आम्ही आमच्या सोसायटीचं घेतलेलं नाही, आम्ही आजूबाजूच्या सर्व सोसायटीच्या लोकांना घेतलेलं आहे। फोर्टिसच धन्यवाद।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे सर्व कॉर्पोरेटरचे धन्यवाद आणि आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीला सपोर्ट केल्याबद्दल मुराजमधील सर्व लोकांचा धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.